नवादा में शराब पीने से हुई मौतों पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। एक ओर जहां विपक्ष लगातार शराबबंदी को विफल बताते हुए नीतीश सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सत्ता पक्ष सूबे में पूर्ण शराबबंदी का दावा कर रही है। इसी कड़ी में पूर्ण राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता आर के सिन्हा ने नवादा में शराब पीने से हुई मौतों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम नीतीश के मामले में उच्च स्तरीय जाँच की मांग की। उन्होंने कहा कि मामले की जाँच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तरफ जहां बिहार में जहरीली शराब पीने के कारण लोगों की मौत हुई है, कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस अधिकारी ही जबरदस्ती मृतक परिवारों से यह लिखवा रहे हैं कि उनके परिजन। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए राजीव जी जुड़ चुके हैं। राजीव, अभी जो है लगातार जो है विपक्ष जो सवाल उठा रहा था नीतीश कुमार पे कि जो नवादा की शराब पर चुप्पी साधे हुए, लेकिन उन्होंने जो है विशेष टीम जो भेजे हुए हैं जांच के लिए, इस पर क्या कुछ अभी तक क्या वहां पर टीम पहुंची है? देखिए, नीतीश कुमार कल ही जब बच्चों को जो हृदय रोगी है उन पर जब वहां से बस रवाना कर रहे थे, उसी समय पत्रकारों को बाइट दिया, बताया कि इसकी जांच कालाधिकारी को दी गई है और जांच अधिकारी ही वहां जाके बात को वहां रखे, हम देखेंगे कि क्या मामला है और किस वजह से उनकी मौतें हुई हैं। नीतीश कुमार ने कल ही ये बात कह दी थी कि उस पर जांच कमेटी बता दी गई है और जांच कमेटी को रवाना आज कर दिया गया है और वहां पहुंच चुके हैं और आगे की कार्रवाई अभी वहां वो करेंगे। अब आगे देखना होगा कि इस पे क्या आगे उसमें निकल के आता है। जिस तरीके से जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से सरकार को तो दफा लगा ही है कि शराब पूर्णतः बंद है तब भी शराब से लोगों की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं सरकार तो बैकफुट पे है। उसी को लेकर कल नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि अधिकारी इस पर जांच करेंगे, अधिकारी की टीम बन चुकी है और वो वहां के लिए रवाना होगी। राजीव, जो जब नीतीश कुमार ने जांच के लिए विशेष टीम उन्होंने भेजा और अपनी उन्होंने बाइट दिया, इसके बाद से क्या जो है विपक्ष की तरफ से कोई बयान प्रतिक्रिया सामने आई है, कुछ उन्होंने बयान दिया है? विपक्ष तो हमलावर है कि जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी हो, चाहे जिस तरीके से मर्डर हो, कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे है और बहुत राजद के नेता ही कितने कह चुके हैं कि सरकार जो हमारे मतलब जो हमारी सरकार थी उस समय जंगल राज और तमाम ऐसे जो उठाती थी उंगलियां, आज क्या स्थिति है? जिस तरीके से मधुबनी में नरसंहार हुआ है, मर्डर हुआ है एक ही परिवार के 5 लोगों का, और जिस तरीके से शराब मिल रहे हैं, शराब से लोगों की मौत हो रही है, होली के बाद कम से कम बहुत लोगों की, दर्जनों लोगों की मौतें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार इस पे बचाव करने के लिए सरकार चाहे नीतीश कुमार, कल ही मुख्यमंत्री ने एक जांच कमेटी बैठक कर जांच कमेटी बना दी है और वो वहां चली भी गई है और जांच पता करेगी। विपक्ष हमेशा हमलावर है क्योंकि विपक्ष इस समय क्योंकि मजबूत स्थिति में है और विपक्ष हर एक मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए राजीव, तो धन्यवाद। तो आपको बता दें कि नवादा शराब कांड पर विशेष टीम भेज दी गई है जाँच के लिए।